अलीगढ़ 2022 से बीजेपी को विकास की आ गई याद। बीजेपी सांसद ने किए गए विकास कार्यों को किया बखान, मोदी सरकार ने पड़े कसीदे। फिरोजाबाद सुहान नगरी में नहीं थमा वायरल का कहर, जारी है जान जाने का सिलसिला। वायरल के चलते फिरोजाबाद में 6 मरीजों ने फिर तोड़ा दम। जिले में अब तक वायरल डेंगू से करीब 185 लोगों की हुई मौत। ओवैसी और राजभर 21 सितंबर को लखनऊ में मिलेंगे, तय होगा कैसे लड़ेंगे चुनाव। अलीगढ़ ऑपरेशन 420 का कहर, सैनिटाइजर के नाम पर संचालित अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। लखनऊ अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बताया बीजेपी करती है किसका विकास और देती है किसका साथ। मुरादाबाद में पंचायत की तैयारी कर रहे दलित संगठनों के तंबू पुलिस ने उखाड़े, पंचायत में शामिल होने जाने वाले लोगों को भी रोकना शुरू किया। काफियाबाद के जाने वाले ज्यादातर रास्तों पर भी पुलिस ने पहरा बिठा दिया। यूपी के बदायूं में हाईवे पर पड़ी मिट्टी ने एक महिला की ले ली जान, जबकि माँ और बेटा घायल हो गए। हाईवे पर हुए हादसे को देखकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए, दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया भर्ती। अलीगढ़ कार में बैठकर शराब पीने को मना करने पर दो पक्षों में हुआ विवाद, चले लाठी डंडे, हुआ पथराव, सीसीटीवी में कैद महिला समेत कई घायल। भारी बारिश से नदियां उफनाई, बदायूं में गंगा तो खीरी में शारदा ने खतरे के निशान को किया पार, बाढ़ से प्रभावित हैं 471 गांव। यूपी में 50% को लगा कोरोना वैक्सीन का पहला डोज, इन तरीकों से नियंत्रण में है कोविड-19। उत्तराखंड के हर युवा को देंगे रोजगार, बेरोजगारों को 5,000 हर माह भत्ता, अरविंद केजरीवाल। हल्द्वानी में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान, कॉल तक रिसीव नहीं करते अधिकारी। पीएलजी महाविद्यालय रामनगर को लघु फिल्म के लिए राज्य में पहला स्थान। तिरंगा संकल्प यात्रा में शामिल हुए केजरीवाल, यात्रा में शामिल लोगों का बढ़ाया उत्साह। जन आशीर्वाद रैली, सीएम धामी बोले अगले 10 साल में उत्तराखंड को बनाएंगे नंबर 1 राज्य।